डेरिवेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. स्क्रोडिंजर अर्लियर साइंटिस्ट वर्ड इज कन्फ्यूज हाउ इलेक्ट्रॉन इज बिहेव वेदर इट इज पार्टिकल और इट इज वेव. बट आफ्टर डी ब्रॉगलीज सजेशन इट इज इन अ ड्यूअल नेचर. बट वेन मास इज वेरी लेस द वेव कैरेक्टर इज मोर एंड वेन मास इज मोर पार्टिकल कैरेक्टर इज मोर. सो इलेक्ट्रॉन हैव वेरी लेस मास एंड हेंस द वेव कैरेक्टर इट शोज मोर वेव कैरेक्टर. देयरफॉर स्क्रोडिंजर ट्राई टू डिराइव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन मोशन और फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड इट कंसिडर ए स्टेशनरी वेव इक्वेशन विच इज ऑलरेडी स्टडीड. इट टेक अ स्टेशनरी वेव इक्वेशन एंड फ्रॉम स्टेशनरी वेव इक्वेशन इट डिराइव द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. सो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन डेरिवेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वी आर डिवाइड इन टू थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज द स्टेशनरी वेव. सेकेंड वन इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ लैमडा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू टी. एंड थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ साई फंक्शन. Myself, Assistant Professor Nilesh Gode. Let us start. So when we disturb any string, it creates a wave in a one dimension. And the equation for this wave is del square y upon del x square is equal to 1 by u square del square y upon del x square. Sorry, del t square. So where y is the amplitude? This is the amplitude. Y is the amplitude. X is the x coordinate, t is the time, and u is the velocity. This equation is already studied. Again, one equation of stationary wave with respect to time, change in with respect to time is a sine 2 pi nu t. This equation is also famous equation for stationary wave. So by using these two equation, Schrodinger develop a new Schrodinger wave equation. So understand it, this is the equation for stationary wave and this is our equation number one. Now we move towards the part two, that is the differentiation with respect to x and with respect to time. As we know, the wave function lambda is having two variables, means lambda is changed with respect to x, also with respect to time. Time ke hisab se bhi wo change hote jata hai aur distance ke hisab se bhi wo change hota hai. Yani do variables hai usko. To time ke hisab se, distance ke hisab se change hone wala ek function hoga kuch to bhi, aur time ke hisab se change hone wala ek function hai. Ab हमें पता है कि टाइम के हिसाब से वो कैसे चेंज होता है. जी ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन टू पाई न्यू टी. तो अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, यानी टाइम के हिसाब से जो चेंज होता है वो हमें पता है कैसे चेंज होता है, फिक्स इक्वेशन उसका हमारे पास है. तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टू ए साइन टू पाई न्यू टी. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं. सो वाई लैम्बडा डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज अगर सिंगल डिफरेंशिएशन लेते हैं उसका, तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ये सिर्फ एक्स के हिसाब से चेंज होने वाली चीज़ है, तो एक्स को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे. और इसका अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं तो सिंगल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये आएगा माइनस टू पाई न्यू ए साइन ए क्रॉस टू पाई न्यू टी. अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव्स ये इक्वेशन बनेगा. अब इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन लेता हूँ, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फिर से कॉन्स्टेंट रहेगा और ये माइनस, अब ये टू पाई न्यू फिर यहाँ आएगा तो फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए साइन, अब कॉस का हो जाएगा साइन टू पाई न्यू टी. तो हमें ये इक्वेशन मिला डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का, ये इक्वेशन मिला. ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं. अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो dy बाय dx, अब एफ ऑफ एक्स का तो हमें इक्वेशन पता नहीं, लेकिन हम एफ ऑफ एक्स ही लेते हैं, तो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, और ये a साइन 2 पाई न्यू टी ये कांस्टेंट रहेगा, या हमें उसे हम उसे g ऑफ t भी कह सकते हैं, g ऑफ t, तो g ऑफ t कर देते हैं इसको, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाला है। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इंटू ये जी ऑफ टी कॉन्स्टेंट रहेगा। अब देखो ये इक्वेशन जो है ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला था वो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, पहला इक्वेशन था स्टेशनरी वेव का, फिर दूसरा डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टी, अब तीसरा डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस इक्वेशन में हम वो जो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाला इक्वेशन हम लगाते हैं, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। अब इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का हमें जो आया था वो था डी स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और जी ऑफ टी वहाँ पे कांस्टेंट था। अब ये 1 बाय यू स्क्वेयर, और इसका अगर आप इक्वेशन देखोगे तो वो आता है एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट था, फिर माइनस आया था ओ 4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर और ए साइन 2 पाई न्यू टी, ऐसा इक्वेशन आया था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया था, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वाला इक्वेशन। अब इसको मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लिखता हूँ, 1 बाय यू स्क्वेयर माइनस इधर ले लेता हूँ, तो अब क्या होगा कि ये 4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर और ए साइन 2 पाई न्यू टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया ए पाई, तो अब इस साइड में ये, इस साइड में ये, तो जी ऑफ टी कॉमन है, इधर भी जी ऑफ टी कॉमन है, तो दोनों भी कैंसिल करने के बाद मुझे इक्वेशन जो मिलता है ये इक्वेशन मिलता है। अब इसमें क्या हुआ कि जी ऑफ टी था वो दोनों भी साइड में कैंसिल हो गया और ये एक नया इक्वेशन आया। अब मुझे पता है कि इस इक्वेशन में न्यू की जगह मैं सी बाय लैम्ब्डा लिख सकता हूँ, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्ब्डा, देन न्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर बाय लैम्ब्डा स्क्वेयर। अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो 1 बाय यू स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर सी स्क्वेयर बाय लैम्ब्डा स्क्वेयर। अब सी यानी वेलोसिटी है और यू यानी भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा एफ ऑफ एक्स, तो मुझे जो नया इक्वेशन मिलेगा वो इस तरह रहेगा। तो ये इक्वेशन मुझे स्टेशनरी वेव के इक्वेशन से ये इक्वेशन मिला, ठीक है, तो हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई, पहला स्टेशनरी वेव, दूसरा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का इक्वेशन डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टी का इक्वेशन, और दोनों को भी स्टेशनरी वेव में डाला तो ये इक्वेशन मिला। अब हमें साय फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है। अब साय एक फंक्शन है, कुछ तो भी होगा इक्वेशन, अभी इस लेवल पर हमें पता नहीं, यानी साय यानी एग्जैक्टली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका इक्वेशन क्या है वो पता नहीं, लेकिन हम अब निकालने वाले हैं। तो साय निकालने के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जब मूव होता है तो वो तीनों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों भी एक्सिस हमें कंसिडर करना पड़ता है, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये ओनली एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से, एक्स के कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस के हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं वो इंडिकेट कर रहा है, उस फंक्शन को मैं थ्री डायमेंशनल फंक्शन बनाता हूँ, और फिर उस थ्री डायमेंशनल फंक्शन को मैं कहता हूँ साय। तो ये साय का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ कि साय ये ऐसा फंक्शन है, ऐसा कुछ तो भी इक्वेशन है जो तीनों भी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, तो अगर साय ये तीनों भी डायरेक्शन के लिए यूज किया हुआ फंक्शन है तो मुझे इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड तीनों भी एक्सिस के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखता हूँ,
डेल स्क्वायर साय अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साय अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साय अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को मैं फिर लिखता हूं साय। तो अब देखो साय आ गया है, आगे साय का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अब डी ब्रॉगलिस का कहना था कि लैम्बडा जो है वो बोथ नेचर में रहता है, तो मैं उसको मास के साथ रिलेट करता हूं। तो उन्होंने इक्वेशन दिया था कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम यू, ये इक्वेशन था उनका। तो लैम्बडा स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं। अब ये साय हमेशा लिखने के जगह डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साय को बाहर निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, दिखने के लिए अच्छा रहता। तो फिर मैं इसको लैम्बडा की जगह एस स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर लिखना है, तो मैं इस एस स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर को अभी लिख रहा हूँ माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू साय, ठीक है। तो ये हो गया लैम्बडा की वैल्यू पुट करने के बाद। अब लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी, अब हमें एनर्जी के बारे में उन्होंने सोचा कि एनर्जी हमें यहाँ पे रखना है, यानी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में, उसकी एनर्जी लेवल की इंफॉर्मेशन है, तो एनर्जी इसमें आना चाहिए। तो फिर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिया। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उन्होंने उनको देखा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम रख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, और यहाँ पे है एम यू स्क्वायर है यहाँ पे। तो फिर ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर, तो मैं एम यू स्क्वायर के जगह ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं। तो अब ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा, अब देखो मैं इसमें एम यू स्क्वायर के जगह ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर। अब मुझे एम यू स्क्वायर चाहिए, यहाँ एम स्क्वायर यू स्क्वायर है, तो मैं एक एम को बाहर निकाल लेता हूं, तो एक एम बाहर निकालने के बाद एम यू स्क्वायर बचेगा, और उस एम यू के जगह मैं लिखता हूं ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साय, इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म को मैं और सिंप्लीफाइड करता हूं। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी के जगह ई माइनस वी लिखता हूं, तो ये इक्वेशन बनेगा माइनस 8 पाई स्क्वायर एम काइनेटिक एनर्जी के जगह ई माइनस वी अपॉन एस स्क्वायर इंटू साय। तो ये इक्वेशन बनेगा, इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, तो इस फॉर्म में आ गया। अब इसे भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं, ये भी एक स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का ही फॉर्म है। तो डेल स्क्वायर साय अपॉन डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू साय 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एस स्क्वायर साय इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में को हमने फर्स्ट ईयर में इस इक्वेशन को रट्टा मारा था, उसके लिए कोड बनाया था, इक्वेशन अटपायला मला इक्वेशन हजार वेड़ा वाचावे लगते, तो ये फॉर्म में है। अब इस फॉर्म को और सिंप्लीफाइड किया गया है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर जो है इसे मैं डेल्टा स्क्वायर लिखता हूँ। अगर मैं इसे डेल्टा स्क्वायर लिखता हूँ तो मेरा इक्वेशन बनेगा डेल्टा स्क्वायर साय, और यहाँ पे
एच के जगह मैं एच क्रॉस लिखता हूँ, एच क्रॉस ये फंक्शन है, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच बाय टू पाई होता है। अब इस यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स लगाऊंगा कि एच एच स्क्वायर भी है, पाई स्क्वायर भी है, और मेरे पास ये टू के लिए ये फोर डिजिट भी है, तो मैं यहाँ पे एच के जगह एच क्रॉस लिखता हूँ, तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा। अब एच क्रॉस यानी फोर यानी यहाँ पे टू ही बचेगा, पाई स्क्वायर चला जाएगा, और एम अपॉन एच क्रॉस इंटू ई माइनस वी साय इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में आ गया। अब मैं यहाँ पे एच क्रॉस बाय टू एम से मैं डिवाइड करता हूँ, यानी मुझे ये एच क्रॉस बाय टू एम इधर ला, तो एच क्रॉस बाय टू एम से जब मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ पूरे इक्वेशन को, तो मेरा इक्वेशन बनेगा एच क्रॉस बाय ट्वाइस एम डेल्टा स्क्वेयर साय प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड में बचेगा ई माइनस वी साय इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आएगा। इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, अब मैं ये e माइनस वी साय को ऐसे भी लिख सकता हूँ, e साय माइनस वी साय इज इक्वल टू जीरो। अब मैं पूरे इक्वेशन को निगेटिव टर्म से यानी निगेटिव करता हूँ, यानी पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, यहाँ पे माइनस लगने से ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, आ गए चेंजेस समझ में। अब इस ई साय को उधर लेके जाता हूँ, तो मेरा नया इक्वेशन बनेगा माइनस एच क्रॉस बाय ट्वाइस एम डेल्टा स्क्वायर साय प्लस वी साय इज इक्वल टू ई साय। देखो ये एक नए फॉर्म में आया, अब इसमें और चेंजेस लाते हैं, तो ये इक्वेशन आया। अब इसमें क्या साय जब मैं निकाल लेता हूँ, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम डेल्टा स्क्वायर प्लस वी साय कॉमन निकाला इज इक्वल टू ई साय, तो ये ऑपरेटर जैसे दिख रहा है। अब ऑपरेटर क्या कॉन्सेप्ट है हम बाद में देखेंगे, तो ये जो है ये टर्म जो है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो इसको मैं एच लिखता हूँ, माइनस एच क्रॉस बाय ट्वाइस एम डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, ये हो गया हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू ई साय, तो ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसके आइजन वैल्यू निकलते हैं। ठीक है, तो आइजन वैल्यू क्या है, ऑपरेटर क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन से साय के इसको सॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आया वो साय के इक्वेशन हमें मिले, लेकिन वो साय के जो इक्वेशन थे वो काफ़ी सारे थे, तो उसमें से कौन से इक्वेशन वैलिड है कौन से अनवैलिड है इसके बारे में उन्होंने कुछ कंडीशन बताई, कुछ साय की कंडीशन बताई कि साय कैसा होना चाहिए तभी हम उसको वेव इक्वेशन में कंसिडर कर सकते हैं, तो वो कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फिर स्क्रोडिंजर सर से पूछा गया कि साय से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मिला है इलेक्ट्रॉन का, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, लेकिन साय ऐसा रहेगा यानी उसका इक्वेशन ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन की वेव्स इस तरह से बनेगी। उसके बाद मैक्स बॉर्न करके साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर साय का फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगी, इससे समझ लीजिए, और कुछ इसमें के अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मैं उसको फिर से अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ऑल द बेस्ट।